पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक में 450 रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीजीआईएमएस में करीब 450 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। फोर्डा के आह्वान पर देश के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में हड़ताल चल रही है। फिलहाल डॉक्टर ओपीडी में मरीजों की जांच नहीं करेंगे, ना ही वार्ड में सेवाएं देंगे। इसके अलावा सभी तरह की इलेक्टिव सर्विस भी नहीं देंगे। गौरतलब है कि ओपीडी और अन्य जगहों पर मरीजों के इलाज की जिम्मेवारी इन्हीं डॉक्टरों की होती है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पीजी के दाखिले में हो रही देरी के कारण हड़ताल की है। हड़ताल कर रहे सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पीजीआई स्थित विजय पार्क में इकट्ठा होकर विरोध जताया। डॉक्टरों ने पीजीआई कैंपस और ओपीडी में विरोध मार्च भी निकाला। डॉक्टरों ने ऐलान किया, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी हड़ताल जारी रहेगी। 2021 बैच की काउंसलिंग होनी थी, वो अननेसेसरली डिले हो रही है, जिसकी वजह से कोई भी कार्य करने में बाधा आ रही है। और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑलरेडी वर्किंग है वो सिर्फ 2 बैच हैं, और 2/3 स्ट्रेंथ होने की वजह से उनके काम में काम ज़्यादा हो गया है। वर्कलोड पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। कि कल यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से बातचीत हुई थी, उस यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने वर्बल एश्योरेंस दिया था कि दे विल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, बट फोर्डा ने ये स्टैंड रखा है कि हमें कोई कंक्रीट कुछ आइदर रिटर्न या कुछ ऐसा दिया जाए ताकि हम उस पर रिलाई कर सकें, और तभी हम स्ट्राइक को वापस। डायरेक्टर मैम को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम कौन कौन सी सेवाएं जारी रखेंगे और कौन कौन सी सेवाएं बंद करेंगे, और अगर आगे भी अगर हमारी जो भी रणनीति होगी कि अगर हम कोई सेवा बंद करेंगे या चालू करेंगे, हम उसका ज्ञापन अपने डायरेक्टर को। पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक में 450 रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीजीआईएमएस में करीब 450 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। फोर्डा के आह्वान पर देश के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में हड़ताल की गई। डॉक्टर फिलहाल ओपीडी में मरीजों की जाँच नहीं करेंगे। रोहतक पीजीआई में हर रोज 6,000 से 7,000 मरीज ओपीडी में आते हैं, लेकिन हड़ताल के चलते यहां काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा वार्ड में भी मरीज भर्ती हैं। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से उनके लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। डॉक्टरों ने तय किया है कि वे केवल इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में ही ड्यूटी देंगे। इस हड़ताल की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज ओपीडी में लगभग 6,000 से 7,000 मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। मरीजों का कहना है वे इलाज कराने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर उन्हें देख नहीं रहा क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिखाए थे, अभी तो लेट हो गया थोड़ा, वो बता रहे हैं या वो अगले शुक्रवार को आएंगे। नहीं, वो डॉक्टर के पास से लाइन लगाने में, अब जब जाएंगे शुक्रवार को आएंगे मैम। परेशानी तो हम जिस दिन आए उतना परेशानी होता है। दरअसल पीजी के पहले बैच के छात्रों का दाखिला नहीं होने के विरोध में डॉक्टर्स द्वारा ये फैसला लिया गया। एडमिशन में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी कोटा निर्धारित किया जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस कारण पीजी के पहले बैच की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए ऑल इंडिया लेवल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि सिर्फ 2/3 रेजिडेंट डॉक्टर्स फिलहाल काम कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से पीजीआई प्रशासन ने सभी सीनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।